हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने का अग्रेसर और मेरा नाम से सोनिया सतानी था। आप सारा का घना स्वागत करूं सू मारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। ताज चौगरदा की खबर की शुरुआत करांगे सूबे के मुखिया की खबर की गेल एक बड़ी अहम खबर चंडीगढ़ तक हरियाणा की बात। कार्यक्रम में सूबे के मुखिया मनोहर लाल बोले, प्रदेशवासियों ने संबोधित करे, न्यू बोले के कोरोना तक घबराण की कोई भी जरूरत को है। तो यह अहम खबर, पिछले साल का अनुभव गेल साहब ने बता दें कि पिछले साल भी कोरोना देश और प्रदेश में दस्तक दी थी और वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। 3 लाख तक घने लोगों के वैक्सीन लाग चुकी है। यह बात सूबे के मुखिया ने कही। उनने कहे आखिर किसानों का नुकसान मारा नुकसान से तो सीएम मनोहर लाल ने आड़े हरियाणा की बात कार्यक्रम के जरिए नु कहे आखिर किसान आंदोलन खत्म करे। किसान भाइया तो उन आंदोलन खत्म करने की भी अपील करी से। उन्होंने कहा आशा के 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान प्रदेश में होली आते अनाज खरीद भी लगातार जारी। उन्होंने कहा आखिर फसल खरीद की जो पूरी व्यवस्था है वो करी जा चुकी है। तो सीएम मनोहर लाल ने कहा आशा के बारिश से फसलों ने नुकसान भी हो सके थे। तो यारे या अहम खबर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नुकसान से बचने खातर फसलों का तावड़ा उठान और फसलों का तावड़ा उठान कराया जा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कोरोना से बचाव खातर सब सावधानी बरते। मजदूरों तक सीएम मनोहर लाल ने भी अपील करी है। सीएम मनोहर लाल ने मजदूरों तक अपील करते हुए नू कहा है आखिर अपना काम करते रहो, नियमों का पालन करते रहो, लॉकडाउन इब्बे नहीं लगेगा। इसके गेले सीएम मनोहर लाल ने न्यू भी कही है कि हरियाणा सरकार मजदूर भाइयों गेल से मजदूर भाइयों ने कोई दिक्कत नहीं आन दी जाएगी। उन्हें कहा कि किसी ने कोई परेशानी नहीं होने देंगे। प्रदेश के जो तमाम तबके से उनके भरण पोषण का जिम्मा सरकार का से सरकार काम करती रहेगी। उन्हें कहा कि हिम्मत तक कोरोना का सब मिलकर रल मिलकर सामना करेंगे। तैयार चंडीगढ़ तक खबर हरियाणा की बात। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल बोले, इस दौरान उन्हें कोरोना पर भी विचार साझा करने बोले कि कोरोना तक घबराने की कोई जरूरत होने से पिछले साल भी जो देश ने देखा जो प्रदेश ने देखा उसमें जो लोग का खतर करा उसका अनुभव सरकार के तमाम मंत्रियों के लिहाज से सरकार ने सारी जानकारी से क्यों करके करना है। उन्हें कहे आशा के वैक्सीन की कोई कमी को है। प्रदेश में 30 लाख तय गणे लोगों का वैक्सीन लाग चुकी से। उन्हें कहे आके किसानों का नुकसान मारा नुकसान से तो किसान भाइयों की गेल से सरकार। साथियों ने न्यू भी कहा से किसान आंदोलन खत्म करे, कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जाने लग रहा है। जिससे बीच जो हजारों की संख्या में जो किसान अलग अलग बॉर्डर पर बैठ रहे हैं, जब उनका कोरोना हो गया तो यह बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि फसल खरीद की पूरी व्यवस्था प्रदेश की तमाम मंडिया में करी जाने लग रही है। और नू भी कहा है कि इब फिलहाल मौसम परिवर्तन होने लग रहा है तो यह जो मीह बरसेगा इससे फसलों ने नुकसान हो सके से। तो तमाम मंडिया में टीन शेड की व्यवस्था हुई से, तरपाल की व्यवस्था हुई या जरूर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव खातर तमाम प्रदेशवासी सावधानी बरते। इसे बीच एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ रहा है। एक और बड़ी खबर सारे दर्शक इस टाइम बता दें, दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला, तेज हवा के साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई। और यहां ये अहम खबर, बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम परिवर्तन हो रहा है जिसका असर नजर आ रहा प्रदेश के कई हिस्सों में भी। और इसी बीच एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदला, तेज हवा के साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई। और इसी तरह से प्रदेश के तमाम जिलों में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं, प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश हो रही है। और इसी बीच इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन इसी बीच कई तरह की मुश्किलात है जो कि पेश आती हुई नजर आ रही हैं। मंडियों में जहां पर प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, वहां खुले आसमान के नीचे जो अनाज पड़ा हुआ है उसके भीगने का डर किसानों को है, आढ़तियों को है। तो यहां ये खबर, जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, दिल्ली एनसीआर से ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं। और मौसम विभाग की ओर से भी ये जानकारी साझा की गई है कि प्रदेश में भी मौसम परिवर्तित हो सकता है, तेज आंधी बारिश हो सकती है। इसका असर आज सुबह से ही प्रदेश के तमाम हिस्सों में देखा जा रहा है, कई हिस्सों में तेज बारिश भी हुई है।
करीब खबरा की ओर बढ़ रहे बाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है अक एम्स प्रोजेक्ट क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि से रेवाड़ी पहुंचे सहकारी मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि एम्स प्रोजेक्ट सिरे चढ़ाण खातर गांव के लोगों का आभार जताया तो उन्होंने प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले पर बनवारी लाल ने कहा है कि मजदूरों ने इस बार पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने आंदोलन कर रहे किसान ना तो आम लोगों से कोरोना का पालन या कोरोना के नियमों का पालन करने का आग्रह किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का भी। और जो जमीन का काफ़ी दिन से झगड़ा चल रहा था, पहले तो हमने मणिठी में जो जगह चुनी थी वो फॉरेस्ट में आ गई थी, लेकिन उसके बाद माजरा गाँव वालों ने हिम्मत की और उन्होंने अपनी जमीन पोर्टल पर लोड की। इस तरह से कोविड 19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो देश के अंदर काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए मैं किसानों से भी अपील करता हूँ और हर नागरिक से भी अपील करता हूँ कि वो भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं और जाएं तो अपना मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंस बना के रखें। कोरोना के नए स्ट्रेन के प्रदेश में 6 नए मामले सामने आए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बात की जानकारी दी है। विज ने जानकारी दी कि हम हरियाणा में करीब 36,000 टेस्ट कर रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी पर बोलते हुए अनिल विज ने न्यू कहा है कि हरियाणा में ऑक्सीजन वेंटिलेटर और बेड्स की कमी नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल धर्मशाला जो है वे अस्पताल बनाए जा सके से। इसने लेकर अधिकारियों का आदेश दे दिए गए से वैक्सीन ने लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति से। इस बात पर विजय ने कहा कि पहले विरोधियों ने लोग भ्रम घेरे थे लेकिन ये लोग शाम ही आने लग रहे से, संस्थाओं नाम लगातार जोड़न लग रहे थे जिसके कारण पूरा सहयोग मिलने लग रहा है। नए स्ट्रेन के लिए जीनोम फ्रिक्वेंसी के लिए हम 2% जो टेस्ट हैं जो हम कर रहे हैं, लगभग 36,000 टेस्ट हम रोजाना करते हैं, उसके 2% हम दिल्ली लैब में भेज रहे हैं जीनोम फ्रिक्वेंसी के लिए। तो अभी तक तो हरियाणा में केवल 6 केस उन्होंने पॉजिटिव बताए हैं और ट्रीटमेंट तो अभी सबका सेम है, इसकी कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है, आइसोलेशन रूम्स की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है। उसके बावजूद मैंने सभी उपायुक्तों को कह दिया कि जिस भी जिले में जरूरत पड़े वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल को एपिडेमिक एक्ट के तहत एक्वायर कर सकते हैं। विरोधियों ने वैक्सीनेशन के बारे में कई प्रकार की लोगों में गलत भ्रांतियाँ डाली थी, लेकिन हमने जो प्रयोग किया है हरियाणा में वो हमारा सफल रहा। हमने इसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाओं को, अन्य सोशल संस्थाओं को हमने इसमें इन्वॉल्व किया। प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी होने लग रही, इस बीच प्रदेश में 9वीं तले के बारहवीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया। इसने लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। सोमवार तक 9वीं और 12वीं तक के जो स्कूल हैं वे भी बंद कर दिए जाएंगे। पूरे मामले ने लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर बोले कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसकी गहलाई आपने जानकारी देते हैं कि प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी। उन्होंने कहा कि आगे जो भी परिस्थिति होगी उसके अनुसार फैसला लेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सारा तन्यू अपील से कि कोरोना तक बचण खातर जो भी नियम से उनका पालन करें। गौरतलब से कि इससे पहली तक लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्र के जो स्कूल हैं वे 30 अप्रैल तक ही बंद करे गए हैं। आज हमने एक फैसला लिया है और जल्दी इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा कि जो नए 9th से लेके जो 12th तक की क्लासें हैं वो भी अब लगातार बंद रहेगी, जब तक हमारी जैसे पहली से 8वीं तक हमने बंद किया तो आगे हमारी 12वीं तक भी सभी क्लासें बंद रहेंगी। सर तब से 30 अप्रैल तक का जो निर्णय है उसी प्रकार से ये भी बंद रहेंगी, अगला निर्णय जो है उसके बाद क्योंकि सोमवार से लागू हो जाएगा। आज ही हमने निर्णय लिया, अभी सूचना भी देनी है जैसे सभी अधिकारी जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी है उनको सूचना देनी, तो कल से या सोमवार से लागू हो जाएगा। सर कुछ
नहीं, आदेश तो सभी को मानने होंगे और इस प्रकार की कोई बात नहीं। अगर कुछ लोग इस प्रकार की बात कहते हैं तो मैं समझता हूँ गलत है, और अगर वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो निश्चित तौर से नियम अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ लें एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है, शहरी स्थानीय निकाय विभाग का बड़ा फैसला, डेपुटेशन पर तैनात कर्मचारियों अधिकारियों को वापस भेजा जाएगा। डेपुटेशन पर तैनात अधिकारियों को वापस भेजा जाएगा, सभी को उनके मूल विभाग में वापस भेजा जाएगा। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, अहम खबर। विभाग ने सभी निगम आयुक्तों जिला उपायुक्तों को पत्र लिखा है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है। दो दिन में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। अनिल विज हैं, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, ये अहम फैसला, ये हम दे अपडेट। शहरी स्थानीय निकाय विभाग का एक बड़ा फैसला। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इस मसले में क्या अपडेट आपके पास है, साझा करें। देखिए, शहरी स्थानीय निकाय विभाग का एक बड़ा फैसला आया है। जो लोग डेपुटेशन पे दूसरे विभागों में कार्यरत थे उनको अपने मूल स्थान पे वापस जो है भेजने का फैसला जो शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने किया है, और इसको लेकर एक रिपोर्ट भी जो है वो जमा कराने के लिए, दो दिन में जमा कराने के लिए अधिकारियों को बोल दिया गया है जी। कि इस बारे में जो क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, तमाम जो जानकारी है वो दो दिन के अंदर अपने विभाग को मुहैया कराई जाए। और एक बड़ा फैसला जो है स्थानीय शहरी निकाय का ये सामने आया है। कहीं ना कहीं जो लोग दूसरी जगह दूसरे विभागों में डेपुटेशन पे कार्यरत थे उनको अपने मूल स्थान पे भेजा जाएगा जी। फैसला लेने का कोई कारण रवि अभी सामने आया हो? जी, इस प्रकार का अभी तक कोई कारण जो है वो फिलहाल सामने नहीं आया। हालांकि बताया यही जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार तो पूरी तरह से मुस्तैद है, और अपने जो कार्य क्षेत्र में है, जो अपने फील्ड के जो लोग हैं वो अपने ही फील्ड में काम करें, ऐसा कहीं ना कहीं से जो है वो आकलन निकल के सामने आ रहा है जी। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ डेपुटेशन पर तैनात कर्मचारियों अधिकारियों को वापस भेजा जाएगा, और आपको जानकारी देते सभी को उनके मूल विभाग में वापस भेजा जाएगा। तो ये अहम अपडेट, अहम जानकारी, बड़ी खबर। विभाग ने सभी निगम आयुक्तों जिला आयुक्तों को पत्र लिखा है। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक साबित होने लग रही है। बीते 24 घंटे में पहली बार इसने एक दिन में 2 लाख संक्रमण का आंकड़ा पार कर लिया है। इस दौरान 1184 मरीजों की मौत होगी से, जो पिछले साल सितंबर के बाद सब तक घना आंकड़ा रहा है। कोरोना की रफ्तार खातर देश के नरे नरे राज्य अपनी अपनी ढाल तक पाबंदी लगाने लग रहे हैं। तो इसे हम सवाल न्यूज है कि हम भी एक बार फिर तक लॉकडाउन की ओर बढ़ने लग रहे से। हमारी इस रिपोर्ट ने देखो और जानो कि इस टाइम कोरोना तक क्यों कर गर्दन है हाहाकार माच रही से। पूरे देश में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस से लोगों खातर घातक साबित होने लग रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने जड़े लोग अपने घर में रहने मजबूर कर दिया है। तो उन्होंने अलग अलग राज्यों तारी शमशान घाट की तस्वीर ने भी लोग झकझोर कर रख दिए थे। सूरत, लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ताई तस्वीर में साफ साफ देखा जा सके ऐसा कि किस ढाड़े आज लोगों ने अंतिम संस्कार खातर भी जगह नहीं मिलने लग रही है। इस महामारी ने पिछले एक साल तक लोगों की आम जिंदगी पर ग्रहण ला रखा है। सरकार बैठक करने लग रही है, कई नए कानून भी लागू कर दिए थे, हालांकि हालात काबू होते नजर नहीं आने लग रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रात 10 बजे तक सोमवार तड़के 6 बजे ताई दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने की घोषणा करी है। तनुरा महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते तक वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में भी हालात बेकाबू होते नजर आने लग रहे हैं, जिससे जिला में सख्ती बढ़ा दी है। हरियाणा की बात करें तो कल यानी गुरुवार ने सीएम मनोहर लाल ने जिले भर के उपायुक्त एसपी और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज गिल बैठक करी। इस बैठक के बाद सीएम ने जनता से अपील करी कि वह कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखते हुए एहतियात बरतें। सीएम बोले कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी को ना। वह बोले कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन सारे ने सावधान रहने की जरूरत है। हरियाणा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लग रहे हैं। तो चालू आपने बतावा कि जिले तक पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए। हरियाणा में बेकाबू हुआ कोरोना। गुरुग्राम से 1434 नए केस, फरीदाबाद से 810 नए केस, सोनीपत से 336 नए केस,
जींद 243 नए केस, करनाल 370 नए केस, पंचकूला 315 नए केस, हिसार 379 नए केस, यमुनानगर 174 नए केस, अंबाला 394 नए केस, पानीपत 248 नए केस, रोहतक 218 नए केस, सिरसा 120 नए केस, फतेहाबाद 149 नए केस, झज्जर 125 नए केस, कुरुक्षेत्र 126 नए केस, भिवानी 93 नए केस, कैथल 209 नए केस, महेंद्रगढ़ 55 नए केस, रेवाड़ी 72 नए केस, चरखी दादरी 29 नए केस, नूह 15 नए केस और पलवल 44 नए केस। तो शाम में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लग रहे हैं। तो शाम के स्थानीय बस अड्डे पर 7 रोडवेज कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और कल सांझ तक उनकी संख्या बढ़कर 15 होगी, जिसके बाद रोडवेज में सफर करना बहुत घना डरावना हो गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सामान्य अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कस्बे में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तनुने रोडवेज अधिकारियों के पॉजिटिव हो जाने के बाद बस स्टैंड पर फिलहाल एंट्री बंद कर दी है और बस सैनिटाइज करने के बाद ही काम में लाई जाएंगी। शाम में सुबह 13 तारीख को जो सैंपल लिए गए थे बस स्टैंड के कर्मचारियों के, उसमें से 5 केस पॉजिटिव आए हैं और इसके अलावा उन 5 केसेस के पॉजिटिव आने के बाद हमने तो शाम बस स्टैंड के जितने भी कर्मचारी आज उपलब्ध थे, लगभग 55 कर्मचारी उपलब्ध थे, उनकी रैपिड सैंपलिंग की, जिसमें से 8 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए लोगों से अपील है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पूर्णतः पालना करें, मास्क लगाएं और मास्क भी बिल्कुल तरीके से नाक के ऊपर तक ढकें और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रदेश में बढ़ते मामले ने देखते हुए हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान करा था, जिसका असर पानीपत में देखने में मिला। जब रात में हरियाणा न्यूज ने पानीपत की सड़क पर इसका रियलिटी चेक कराया तो लोग कोरोना ने लेकर जागरूक नजर आए। बात पानीपत की करातार हालात बदतर बदतर से, पानीपत जिले में वीरवार ने 219 कोरोना संक्रमित मामले मिले, 77% मरीज जबकि होम आइसोलेशन में से। कोरोना की रफ्तार फिलहाल बेकाबू से, इस पर काबू पाने खातर हम सारे कोविड 19 के नियमों का पालन करने लाग रहे हैं। कोरोना की चेन ने तोड़न खातर बचाव सब तक बेहतर उपाय से, हालांकि राज्य सरकार ने लॉकडाउन तय इनकार करके नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कोरोना की रफ्तार में कितनी कमी दर्ज करी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बुलेटिन में आगे बढ़ लिया, एक और बड़ी अहम खबर की और बड़ी खबर सारे दर्शकों से इस टाइम बता दें। हरियाणा में शनिवार एतवार नहीं होगी गेहूं की खरीद। हरियाणा में शनिवार और रविवार को नहीं होगी गेहूं की खरीद। पहले से मंडियों में खरीदे गए गेहूं का उठान ही होगा, क्योंकि उठान ज्यादा मात्रा में पहुंच रहा है। 19 अप्रैल से पहले की तरह फिर से शुरू होगी गेहूं की फसल की खरीद। तो ये अहम अपडेट, हरियाणा में शनिवार और रविवार को नहीं होगी गेहूं की खरीद। किसान भाइयों के लिए इस वक्त की ये बड़ी खबर, अहम खबर, जो कि जाननी जरूरी है। पहले से मंडियों में खरीदे गए गेहूं का उठान ही होगा और 19 अप्रैल से पहले की तरह फिर से शुरू होगी गेहूं की खरीद, क्योंकि उठान जो है वो अभी फसल की नहीं हो पा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ राकेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, यहाँ ये सरकार की ओर से अहम फैसला लिया गया, क्या अपडेट? देखिए, ये बड़ा फैसला है और महत्वपूर्ण भी है। आप जानते हैं कि इस समय मंडियों से गेहूं का उठान जो है बड़ा मामला बना है, बड़ा मुद्दा बना है। जी, मंडियों में भारी मात्रा में गेहूं पहुंच चुकी है लेकिन उठान जो है पर्याप्त नहीं हो रहा और ये चुगर्दे का मामला बना है। आज भी जब मुख्यमंत्री ने मन की बात की है तो उसमें ये मामला उन्होंने उठाया कि पर्याप्त व्यवस्था जो है उठान के लिए की जा रही है, कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो किसी स्तर पर जो है इस समस्या का हल किया जाएगा। लेकिन इसी बीच सरकार ने फैसला लिया है कि शनि और इतवार को गेहूं की जो नई खरीद है वो नहीं होगी, और क्योंकि पहले से जो मंडियों में गेहूं आ चुका है जी, उसकी जो उठान है, क्योंकि मौसम आप जानती हैं 3 दिन का अल्टीमेटम आया है मौसम विभाग की तरफ से और जिस तरह से सारा मौसम खराब है, गेहूं का मंडियों से उठान बहुत जरूरी है जी। और ये प्रदेश सरकार ने दूसरी दफा ऐसा फैसला लिया है जब गेहूं उठान के लिए गेहूं की खरीद जो है रोकनी पड़ी है। इससे पहले भी एक पिछले हफ्ते ऐसा फैसला हो चुका है जी। तो कुल मिलाकर सरकार का ये दावा है कि किसानों की समस्या, किसानों को समस्या ना हो, इसके चलते ये फैसला लेना पड़ा जी। बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो यह इस टाइम की अहम खबर, हरियाणा में शनिवार और एतवार ने गेहूं की खरीद नहीं होगी और पहले आते हैं मंडिया में खरीदे गए गेहूं का उठान होगा या किसाना खातर, या अहम अपडेट्स है।
क्योंकि ईबे मंडी में घनी मात्रा में फसल आने लग रही से उसका उठान नहीं हो पा रहा है। तईब पहला सरकार गेहूं की फसल जो मंडी में पड़ी हुई से उसका उठान करेगी और फिर इसके बाद फसल खरीद देगी। इस टाइम पूरे देश में कोरोना की महामारी दोबारा थे अपनी जो से हाहाकार या फिर नुकवा के दस्तक देती नजर आने लग रही है, लेकिन जज्जर के लोग से के पूरी डाल से लापरवाह नजर आने लग रहे हैं। आड़ के मेन बाजार में चाहे दुकानदार हों चाहे ग्राहक हों सारे सरकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने लग रहे हैं। लॉकडाउन अगर जो दोबारा से सरकार ने लगा दिया तो उसमें ये समझोगे हर बिजनेसमैन दुकानदार जो भी है हर एक को इतना भारी नुकसान हो जाएगा कि लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। और लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि मतलब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दो, लॉकडाउन का मतलब ये है कि लोगों को थोड़ा सतर्क कर दो, भाई अपना मास्क वगैरह लगाओ और भी अपने यानी कि सावधानियां बरतो। तो याड़े ये जो लोग बाग से ये बिना मास्क के भी नजर आने लग रहे से न्यूए बिना सामाजिक दूरी बनाए अपना काम काज करते नजर आने लग रहे से। तो इस समय न्यूस है कि क्यूकर ये लोग जो से ये क्यूकर कोरोना पर लगाम लगाने में सरकार का सहयोग देंगे। ताड़े मार्केट में आप ये तस्वीर देखने लग रहे सो अक क्यूकर लोग बाग आड़े लापरवाह होते नजर आने लग रहे से। हरियाणा में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जाने लग रही है। इससे बीच डॉक्टर ने फिरते लोगों तफरीज का जो शीला पानी से वो पीने की सलाह नहीं देते हुए नजर आने लग रही। डॉक्टर नु कहने लग रहे फरीज का जो शीला पानी उन्हें ना पियो, तो यू कारण से कि लोग जो से माटी के मटके यानी के पेंडे खरीदते हुए नजर आने लग रहे से, जिससे कुमार भी गणे राजी हो रहे से। जहां तक उन्हें न्यू उम्मीद से कि जी डाला ईब गर्मी पड़न लग रही से तो इनकी जो पेंडा की या फिर छोटे मटकियां की जो डिमांड है या गणी होती जाएगी, पछला साल के नुकसान से फिर ये उभर पावेंगे। तो न्यू ने कुमार दीपक ने न्यू बताया से कि वह पछले 20 साल ते मटके बनाने का पुश्तैनी काम करने लग रहे से। पछले साल कोरोना के कारण काम बुरी डाल ते ठप हो गया था, लेकिन इस साल काम ठीक चालन की उम्मीद से ई बताई मटकिया के डिमांड भी ठीक ठाक आने लग रही से। मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, पिछली दफा कोरोना के कारण मेरा ये काम नहीं चल रहा था इतना, अब की बार उम्मीद है कि ये काम सही चलेगा, इस बार तो अच्छी आ रही है। ठीक जा रही है, कुछ लोगों का जो है ताजे पानी को नॉर्मल पानी को छोड़कर ठंडे पानी की तरफ रुझान बढ़ता है, पर हमारा तो बिल्कुल ये एडवाइस है भी फ्रीज का पानी तो बिल्कुल भी ना लें। फ्रीज का पानी के अलावा जो ताजा नॉर्मल पानी है या घड़े का पानी यूज कर सकते हैं। घड़े का पानी तो वैसे भी आयुर्वेद में भी पहले भी बताया गया है या प्राचीन टाइम से भी रखा, जब फ्रिज नहीं थे तब घड़े का पानी ही प्रयोग किया जाता था, उसमें तो उसमें पानी नॉर्मल ठंडा रहता है पानी उसमें। के फसल लेके जो मानस से पोछण लाग रहे से उनका न्यू कहना से कि उनकी जो फसल वा खरीदनी हो रही से तेनूने मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं पड़ा वड़ा नजर आने लाग रहा सर। आज मंडी में लिफ्टिंग का काम भी बहुत स्लो होने लाग रहा से। तेनूने एक और एक बार फिर ते मंडी के आड़तियां ने कई एजेंसियां की औरतें गेहूं की फसल में कमियां लेकाड़ के ने वापस भेजन जाने की भी बात कही है, जिसके कारण आड़तियां ने भी काफी टोटा हो रहा है। किसानों को माल आने में ये दिक्कत आ रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दे दिए कि रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, डेट का कोई इशू नहीं है, डेट अनिवार्य नहीं है, लेकिन पिछले 3 दिन से ये एक नया सिलसिला चला है कि दोबारा डेट वाइज मैसेज भेजने का सिलसिला किया है, जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और हम भी परेशान हैं। दूसरा जहाँ तक उठान का सवाल है, उठान में ये दिक्कत आ रही है जो गोडाउन हैं उन गोडाउन में लेबर का पर्याप्त सिस्टम नहीं बन पा रहा है या जो अफसरान वहाँ पर हैं वो नहीं तरीके से उतरवा पा रहे हैं या उतरवाना चाह नहीं रहे हैं। तनु तुम्हारे चैनल पर खबरों का सिलसिला तड़के तले का सांझ तई लगातार जारी है, लेकिन हमारे आज के इस बुलेटिन में इतनी एक खबर सा देख दे रही हो थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम सारे ने।